हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द ग्रामर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग प्रोडक्शन रूल्स विद द ऑपरेटर स्टार एंड प्लस। तो ये आपका प्रोडक्शन रूल गिवन है, इसमें दो ऑपरेटर हैं, आपका स्टार है और प्लस है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन क्या है, मतलब करना क्या है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले क्या, प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव वाइल स्टार इज राइट एसोसिएटिव। मेनली करना क्या है इसमें, एसोसिएटिविटी के बारे में पूछा गया है। ओके, तो किसी भी क्या नाम है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ मेनली जो एसोसिएटिविटी पूछा गया है तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से कि कौन सी आपकी प्रोडक्शन है, वो आपका जो है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है या राइट रिकर्सिव ग्रामर है। अगर आपकी ग्रामर जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव है, इसका मतलब उससे जो ऑपरेटर एसोसिएटेड है वो क्या होता है आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर। और अगर आपका राइट रिकर्सिव ग्रामर जो ऑपरेटर राइट रिकर्सिव ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जो एसोसिएटेड है वो क्या हो जाएगा आपका राइट टू लेफ्ट। तो इस प्रोडक्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ एस डिराइव्स टी स्टार पी। तो सबसे पहली प्रोडक्शन में यहाँ क्या है आपका स्टार है, तो अब स्टार देखेंगे इस, यानी ये वाली प्रोडक्शन जो वो लेफ्ट रिकर्सिव है या राइट रिकर्सिव है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है और यहाँ जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे जो वेरिएबल, अगर ये दोनों सेम होता है तो इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। लेकिन यहाँ दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर नहीं है। अब क्या करेंगे, राइट मोस्ट प्लेस पे जो आपका क्या दिया हुआ है सिंबल, यानी जो आपका वेरिएबल दिया हुआ है, सॉरी वेरिएबल, यानी अगर आपका राइट मोस्ट प्लेस पे जो वेरिएबल गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर वो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, राइट रिकर्सिव ग्रामर। लेकिन यहाँ क्या है, ना तो लेफ्ट वाला सेम है ना तो राइट वाला सेम है, तो इसका मतलब ये ना तो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है तो ना तो राइट रिकर्सिव ग्रामर है। तो यानी इस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसकी क्या है एसोसिएटिविटी क्या है। ओके, अब आएंगे नेक्स्ट पे, तो यहाँ स्टार है और यहाँ प्लस है। अब इसके करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे तो क्या दिया हुआ, टी डिराइव्स टी स्टार यू। ओके, तो इसका मतलब ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है और राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे अगर सेम वेरिएबल है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। ओके, तो अगर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है इसका मतलब स्टार क्या हो गया आपका लेफ्ट टू राइट, क्या कहेंगे इसको, लेफ्ट एसोसिएटिव। ओके, नेक्स्ट आपका प्लस है यहाँ, तो पी डिराइव्स क्या दिया हुआ, क्यू प्लस पी दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है और इसके राइट हैंड साइड के राइट मोस्ट प्लेस पे जो वेरिएबल वो दोनों सेम हैं, तो क्या हुआ आपका प्लस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका लेफ्ट एसोसिएटिव और ये क्या हो गया आपका राइट एसोसिएटिव। ओके, सिंपली किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, अगर आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होगा वो क्या होगा आपका लेफ्ट एसोसिएटिव, और अगर आपका जो है प्रोडक्शन राइट रिकर्सिव ग्रामर है उससे जो ऑपरेटर एसोसिएटेड हो वो क्या हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, यानी राइट एसोसिएटिव। तो अब देखते हैं ये क्या है आपका स्टार जो है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है, प्लस जो है वो आपका राइट एसोसिएटिव है। तो प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव वाइल स्टार इज राइट एसोसिएटिव, तो प्लस क्या आपका राइट, तो लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या लेफ्ट एसोसिएटिव, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्या, प्लस इज राइट एसोसिएटिव, तो प्लस क्या राइट एसोसिएटिव है सही है, वाइल स्टार इज लेफ्ट एसोसिएटिव, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बोथ प्लस एंड स्टार आर राइट एसोसिएटिव, ये भी नहीं होगा, बोथ प्लस एंड स्टार आर लेफ्ट एसोसिएटिव, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। तो अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ओके, सो अब एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पार्स ट्री, ये आपकी पार्स ट्री गिवन है फॉर द एक्सप्रेशन ए हैश बी डॉलर सी डॉलर डी हैश ई हैश एफ। इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग ये आपकी एक पार्स ट्री गिवन है। अब इसमें हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन पार्स ट्री। तो बेसिकली इसमें भी क्या करना है, इसमें भी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ दो ऑपरेटर हैं और ये आपका क्या है, ये दोनों जो ऑपरेटर हैं वो आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं। ओके, यानी हैश और डॉलर दोनों बाइनरी ऑपरेटर हैं। तो अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा और क्या एसोसिएटिविटी फॉलो करना है। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी प्रोडक्शन आपको गिवन है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है तो वो एसोसिएटिविटी क्या हो जाएगी लेफ्ट टू राइट, और अगर आपका जो है क्या नाम है जो जो आपका ग्रामर में गिवन होगा जो वेरिएबल स्टार्ट वेरिएबल से सबसे ज़्यादा दूर होगा, या एक तरीके से कहें जो सबसे लास्ट यानी बॉटम में इवेलुएट होगा उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, और जो टॉप पे होता है उसका इवेलुएशन यानी जिसका सबसे बाद में होता है उसकी प्रेसिडेंस सबसे लो होती है। ओके,
इस स्पार्स ट्री के करस्पॉन्डिंग हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा और किसकी कम है? तो यहाँ सबसे पहले अगर देखें इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग क्या है, ये आपकी ट्री है। तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट हो रहा है, तो यहाँ से आए लेफ्ट टू राइट आते गए तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा, अगर इस पूरे ट्री में देखें तो सबसे लास्ट लेवल पे होता है। ओके, इवेल्युएशन उसी एक्सप्रेशन का होगा जो सबसे, अगर ट्री के करस्पॉन्डिंग देखें तो सबसे लास्ट लेवल में आएगा। तो सबसे लास्ट लेवल में क्या है, बी एंड सी। तो ये इवेल्युएट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी एंड डॉलर ये सबसे पहले, बी और सी इसके बीच में जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, डॉलर इवेल्युएट हो रहा है। ओके, तो इससे क्या पता चला कि डॉलर की प्रेसिडेंस जो है वो हैश से ज़्यादा है, क्योंकि हैश क्या हो रहा है, सबसे टॉप पे वैल्यूट, यानी ए हैश दिस हो रहा है, यानी हैश क्या है, टॉप पे है और डॉलर जो है वो बॉटम पे है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको किस तरीके से, सपोज दैट ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है, ओके, इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा, बी बी डॉलर सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ सपोज दैट यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, ओके, उसके बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई, तो दैट मीन्स ये नोड हमने इवेल्युएट किया, तो यहाँ सपोज दैट कुछ एक्स टाइप का है, यानी इसकी वैल्यू इवेल्युएट किया तो सपोज दैट एक्स आया, तो अब क्या एक्स डॉलर डी। ओके, इसका मतलब इसकी जो, यानी इस एक्सप्रेशन से जो इवेल्युएट हुआ उसका रिजल्ट यहाँ आएगा इस नोड पे, यानी इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, और उसके बाद क्या होगा, ये इवेल्युएट होगा। तो अगर इसकी एसोसिएटिविटी भी चेक करेंगे तो यानी यहाँ क्या है, डॉलर इधर है डॉलर इधर, तो सबसे पहले जो लेफ्ट वाला था वो डॉलर इवेल्युएट हुआ है, उसके बाद ये वाला इवेल्युएट हुआ। ओके, तो अगर इसकी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे तो यानी पहले लेफ्ट वाला डॉलर जो है इवेल्युएट हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये इवेल्युएट हो रहा है। ओके, तो इससे पता ये चला कि डॉलर जो है वो आपका क्या है, डॉलर की प्रेसिडेंस आपकी हाई है, और ये क्या आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव, ये तो हो गया डॉलर के करस्पॉन्डिंग। अब देखते हैं, अब इसका मतलब ये कि अगर डॉलर की प्रेसिडेंस हाई है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हैश की प्रेसिडेंस लो होगी, लेकिन उसकी एसोसिएटिविटी अगर चेक करेंगे तो यहाँ एक आपका हैश है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो सबसे पहले कौन सा इवेल्युएट हो रहा है, ई एंड एफ, यानी ई और एफ को इवेल्युएट करेंगे हैश के करस्पॉन्डिंग, तो सबसे पहले क्या होगा, ये इवेल्युएट होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ जाएगा, इधर। तो ये क्या आ रहा है आपका, यानी कौन सा पहला हैश है, ई एफ, तो ई और एफ कहाँ है, ये, यानी सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा हैश की बात जब कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा, उन दोनों को क्या हो रहा है, यानी इस लेफ्ट हैंड साइड से ये पूरा नोड इवेल्युएट होगा, यानी ये आपका x, देन ये आया सपोज दैट इसकी वैल्यू आ गई y, यानी यहाँ जो इसका b और c का रिजल्ट जो आया था वो x था, और x और डॉलर d से निकाले सपोज दैट ये y आया हुआ है, और इधर से सपोज दैट z आया, फॉर एग्जांपल, यानी इस नोड की वैल्यू, यानी जो e हैश f कैलकुलेट किया उसका रिजल्ट क्या है आपका z, तो y हैश z आएगा। तो यानी पहला वाला हैश कौन सा इवेल्युएट होगा, e और f वाला, उसके बाद वाई जेड। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले ये इवेल्युएट होगा, उसके बाद क्या होगा, ये इवेल्युएट होगा, फिर टॉप पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसकी एसोसिएटिविटी क्या होगी, हैश की जो एसोसिएटिविटी होगी क्या होगी, वो राइट टू लेफ्ट। अब देखते हैं ऑप्शन, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, डॉलर हैज हायर प्रेसिडेंस। ओके, तो डॉलर क्या है, हायर प्रेसिडेंस है, यहाँ तक सही है, एंड इज लेफ्ट एसोसिएटिव, और क्या है आपका, लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव। ओके, तो यहाँ तक तो ये पोर्शन से, बाकी क्या है, हैश इज राइट एसोसिएटिव, तो हैश भी क्या है आपका राइट टू लेफ्ट, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला सही हो गया। बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शन चेक करते हैं क्या 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 चीज़ें, हैश हैज़ हायर प्रेसिडेंस, तो हैश की प्रेसिडेंस डॉलर के कंपैरिजन में कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्या आपका, डॉलर हैज़ हायर प्रेसिडेंस, तो डॉलर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, एंड लेफ्ट एसोसिएटिव, सही है, हैश इज लेफ्ट एसोसिएटिव, ये क्या आपका, हैश इज लेफ्ट एसोसिएटिव, इसके वजह से क्या हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये क्या आपका राइट एसोसिएटिव, यानी राइट टू लेफ्ट मतलब राइट एसोसिएटिव, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या, हैश हैज हायर प्रेसिडेंस, तो हैश की प्रेसिडेंस हायर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सही होगा। तो इस तरीके से ट्री को हम इस तरीके से चेक, यानी ट्री को देखेंगे तो पता ही चल जाएगा कि जो सबसे लास्ट लेवल पे उसका इवेल्युएशन सबसे जो है पहले होता है, तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट हो रहा है, डॉलर। ओके, अगर यहाँ हैश होता तो हैश की प्रेसिडेंस ज़्यादा हो जाती, और पहले ये डॉलर इवेल्युएट होगा, उसके बाद ये डॉलर इवेल्युएट होगा, क्योंकि ये डॉलर इवेल्युएट होने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव। ओके, पहले ये इवेल्युएट हो रहा, फिर उसके बाद ये हो रहा है, अगर बॉटम टू टॉप जा रहे हैं इस तरीके से, तो बॉटम टू टॉप का मतलब क्या है कि जो सबसे बॉटम लेवल पर होगा उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, और ये किस किस एसोसिएटिविटी के करस्पॉन्डिंग ये इवेल्युएट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले बी डॉलर सी हो रहा है, यहाँ डॉलर डॉलर दोनों हैं, तो अगर ये पहले इवेल्युएट हो बाद में ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, और यहाँ क्या है, ये हैश है, यहाँ हैश है, तो अगर पहले ये इवेल्युएट हो रहा है बाद में इसके साथ ये इवेल्युएट हो रहा है, तो इसका मतलब राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होगा।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इस पूरे ट्री के करस्पॉन्डिंग। ओके, सो अब एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है आपका, कंसिडर टू बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक, अपवर्ड्स एरो एंड डाउनवर्ड्स एरो। यहाँ दो बाइनरी ऑपरेटर हैं जिसका जो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, एक अपवर्ड्स एरो है, एक आपका डाउनवर्ड्स एरो है। विद द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर डाउनवर्ड्स बीइंग लोअर दैन दैट ऑफ ऑपरेटर अपवर्ड्स एरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स को क्या करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, यानी डाउनवर्ड्स की जो प्रेसिडेंस है वो लोअर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपवर्ड्स एरो है उसकी प्रेसिडेंस डाउनवर्ड्स एरो से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी अपवर्ड्स एरो है और दूसरा क्या आपका डाउनवर्ड्स एरो है, इसकी प्रेसिडेंस क्या है, ज़्यादा है, यानी जो अपवर्ड्स एरो है वो ज़्यादा प्रेसिडेंस का है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑपरेटर अपवर्ड्स एरो इज राइट एसोसिएटिव। तो ये आपका क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट, यानी एरो नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये आपका, ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, राइट राइट एसोसिएटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव हो गया, वाइल ऑपरेटर डाउनवर्ड्स इज लेफ्ट एसोसिएटिव, ये क्या आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ये दो आपके ऑपरेटर हैं, ये आपका क्या है, दोनों बाइनरी ऑपरेटर हैं, ये आपका क्या है अपवर्ड्स एरो और दूसरा है डाउनवर्ड्स एरो। तो इन दोनों के अगर प्रेसिडेंस को कंपेयर करेंगे तो जो अपवर्ड्स एरो है वो क्या है, डाउनवर्ड्स एरो से ज़्यादा प्रेसिडेंस का है, और जो अपवर्ड्स एरो उसकी जो एसोसिएटिविटी वो क्या है, राइट टू लेफ्ट, और इसकी क्या है आपकी लेफ्ट टू राइट। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पास ट्री फॉर एक्सप्रेशन। ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 7 डाउनवर्ड्स एरो 3 अपवर्ड्स एरो 4 अपवर्ड्स एरो 3 डाउनवर्ड्स एरो 2। ओके, अब क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है। तो इसमें टोटल आपके 4 ऑप्शन है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग और जो सिनेरियो यहाँ डिस्कस किया गया है। ओके, तो यहाँ क्या है कि अपवर्ड्स एरो की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो एक आपकी यहाँ है दूसरी यहाँ है। ओके, ये हो गया, और दूसरा क्या है, ये दोनों में सबसे पहले इवेल्युएट कौन सा होगा, राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक आपका अपवर्ड्स एरो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो पहले क्या होगा, 4 और 3 इवेल्युएट होगा, इसका ये मतलब है। अगर दो ऑपरेटर आपके सेम प्रेसिडेंस के आते हैं तो एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। तो यहाँ आपका सारा कुछ दिया हुआ है कि कौन सा ऑपरेटर जो है किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा और किसकी एसोसिएटिविटी क्या है, तो ये राइट टू लेफ्ट। तो इन दोनों में सबसे पहले इवेल्युएट क्या होगा, 4 अपवर्ड्स एरो 3। तो देखते हैं 4 अपवर्ड्स एरो 3 कहाँ इवेल्युएट हो रहा है। यहाँ सबसे पहले क्या इवेल्युएट हो रहा है, 3 डाउनवर्ड्स एरो 2, उसके बाद इसका इवेल्युएशन जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है यहाँ पे, 4 अपवर्ड्स एरो 3 सबसे पहले ये इवेल्युएट हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं बाकी, यहाँ क्या हो रहा है, 3 अपवर्ड्स एरो 4, तो 3 अपवर्ड्स एरो 4 यहाँ जो है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको और इसको चेक करें, यानी ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, 7 और 3 पहले इवेल्युएट हो रहा है, क्या आपका हायर प्रेसिडेंस इसका हो गया डाउनवर्ड्स एरो। तो ऑप्शन ये पहला, डाउनवर्ड्स एरो की प्रेसिडेंस यहाँ ज़्यादा दिखा रहा और यहाँ ज़्यादा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन जो होगा वो हो गया आपका एलिमिनेट, क्योंकि ये आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब चेक करना है इसमें और इसमें। ओके, तो यहाँ क्या दिया हुआ, एसोसिएटिविटी, यानी यहाँ क्या हो रहा है आपका, 4 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 4 और 3 के बीच में क्या हो रहा है, अपवर्ड्स एरो के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, और यहाँ 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ 3 और 4 के बीच में अगर इवेल्युएट होगा तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट होगा, और 4 और 3 के बीच में अगर इवेल्युएट हो रहा है तो क्या होगा आपका, राइट टू लेफ्ट। तो इन दोनों ऑप्शन में सिंपली क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कौन सी किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या दी हुई। एक बार और रिपीट करते हैं, तो इन दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है आपकी, सेम। ओके, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल क्या होता है, एसोसिएटिविटी लॉ। तो एसोसिएटिविटी में क्या करेंगे, पहले लेफ्ट को इवेल्युएट करेंगे कि राइट को, तो जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो अपवर्ड्स एरो है वो क्या आपका राइट एसोसिएटिव है, तो इसका मतलब जो राइट वाला है वो पहले इवेल्युएट हो रहा है, तो इस पार्स ट्री में सबसे पहले ये इवेल्युएट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 3 और 4 के बीच में ऑपरेशन, यानी ये लेफ्ट वाला इवेल्युएट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, राइट वाला, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। ओके,